विधविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ द्वारा मान्यता के लिए किए जा रहे मांग पर बीएसए बीएन सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के नहीं चलेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी बिना मान्यता के स्कूल चलाएगा तो उनके ऊपर 1,00,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो सकती है। उन्होंने कहा कि अब मान्यता की प्रक्रिया सरल कर दी गई है, मात्र 2 महीने में ही स्कूलों को मान्यता दे दी जा रही है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया, उनके लिए शासन का स्पष्ट निर्देश है, उसमें कहा गया है कि विद्यालय अमान्य विद्यालय नहीं चलेंगे। अभी 22 तारीख को भी मुझे पत्र प्राप्त हुआ है, मेरे द्वारा विज्ञापन भी निकाल दिया गया है कि अगली जुलाई से कोई भी अमान्य विद्यालय नहीं चलेगा किसी भी परिस्थिति में। शासन की एकदम स्पष्ट मंशा है तो उसको बंद कराया जाएगा, FIR कराया जाएगा, 1,00,000 तक पेनाल्टी है। 2 विद्यालयों को पूर्व में लग भी चुका है और अभी मई में करीब 667 विद्यालय मेरे द्वारा बंद कराए गए हैं और उसमें एक शिथिलता तो नहीं कह सकते, जुलाई से फॉर्म डाले जा रहे हैं। जैसे ही उनके फॉर्म मुझे मिलेंगे, हर 2 महीने पे मान्यता की बैठक हो रही है तो उनकी मान्यता की कार्रवाई, जो शर्तें पूरा करते हैं उनको मान्यता यथाशीघ्र दे दिया जाएगा। अभी 13 तारीख में बैठक हुई थी जिसमें मेरे द्वारा विभाग द्वारा 80 विद्यालयों को मान्यता दी गई है। आज के तारीख में मेरे पास ऑफिस में कोई भी पेंडिंग नहीं है पत्रावली। अभी तक एक तरह कितने विद्यालय सूची है आपके पास जो बिना मान्यता चल रहा है? लगभग 800।